सबके सब ये तैयारी कर रहे हैं पानी को रोकने की। सो गाइस चेकआउट कराता हूँ, ये बोरियाँ वगैरह डाल रहे हैं। पाइपलाइन भी पूरी डूबी पड़ी है थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज काम तो है नहीं और यहाँ पे जुमेरात बाजार लगा पड़ा है और दुकान के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं है। सुबह से बैठा हूँ लेकिन बार बार न्यूज ये आ रही है कि इधर जमुना के पुल पे पानी आ गया, शास्त्री पार्क पानी आ गया, तो सोच रहे हैं वहाँ जाके कुछ छोटा सा एक व्लॉग हम शूट करते हैं। अच्छा, और देखते हैं कितना पानी आया है, कोई मिलेगा तो उससे बात भी करेंगे। तो अभी गाड़ी वाड़ी निकाल लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं। पहले इधर की साइड जाएंगे हम, शादरे की साइड से निकलेंगे क्योंकि थोड़े से कावड़ सेवे का भी शूट कर लेंगे और फिर अपना बस अड्डे से होते हुए और उसके बाद अगर हमें जगह मिली और शूट करने की कोई भी हमें जो है लोकेशन मिली तो हम वहाँ पे शूट करेंगे और उसके बाद हम सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए अपने घर की तरफ आएंगे। समझ रहे हो ना। लेकिन अभी पहले गाड़ी निकालते हैं तो चलते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस पानी तो जो है यहाँ पे आ ही रहा है और सबके सब ये तैयारी कर रहे हैं पानी को रोकने की। सो गाइस चेकआउट कराता हूँ, ये बोरियाँ वगैरह डाल रहे हैं। सो गाइस काफ़ी सख्ती कर रही है पुलिस और लोगों को जाने को कह रही है, तो अभी चेकआउट कराता हूँ। भीड़ बहुत है यहाँ पे। Mm-hmm.
वीडियो का यूट्यूब बनाना है। सारी पब्लिक यहाँ पे आ गई है, बाहर बिल्कुल पुल से जितने भी लोग थे सबको बाहर भगाया जा रहा है, सबको बाहर जाने के आदेश दिए जा रहे हैं। जितनी भी पब्लिक है, पुलिस की सख्ती बहुत है इस टाइम, तो हमारे से भी बोल दिया कि भाई बाहर जाओ। तो कैंप वैम लग गए हैं इधर, हर तरीके से कैंप वैम लगे हुए हैं और पूरे सुरक्षा के इंतज़ाम। ये अपना भारत का झंडा बड़ा लहरा रहा है आज, वाह भाई वाह, हल्के चला हल्के। गाइस हाई अलर्ट कर चुके हैं और यहाँ पे पानी आ ही रहा है, नीचे से आ रहा है ज़मीन से, शायद सब कुछ पैक कर रहे हैं। कुछ दुकानें खुली हैं, ये भी शायद बंद हो ही जाएंगी अब, तो पुलिस काफ़ी सख्ती कर रही है। हाँ इधर ही चले, अब शास्त्री पार्क से देखते हैं क्या है। देखो देखो जगह मिलेगी तो आगे तक जाएंगे, नहीं तो पुलिस वाले जाने दे नहीं रहे। तो गाइस पुल के अंदर आ चुके हैं, पुल के ऊपर, और ये मेट्रो प्रॉपर आराम आराम से जा रही है। पूरा देख कैप्चर करो, पानी बहुत तेजी से है गाइस, पानी बहुत ज़्यादा आ गया है और मेट्रो भी जा रही है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी पानी है। अभी यहाँ से क्लियर शायद हो नहीं पा रहा, सारा डूबा पड़ा और हाई अलर्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, ज़्यादातर पब्लिक को रुकने दे नहीं रहे, लेकिन मौका देख के रुक गए हैं। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, अरे अपना भोले जा रहे हैं इतने सारे, भोले भाई सावन का महीना है तो सब अपना धर्म कर्म के काम में लगे हुए हैं। यहाँ भी भीड़ है भोलों की, तो गाइस एक बार फिर रुक गए हम और अब के बिल्कुल फ्रंट से सीन लेंगे। काफ़ी पानी तेज़ है तो दिखाता हूँ, चेकआउट कराता हूँ। पानी का बहाव बहुत तेज है और पब्लिक घबराई हुई है अपना दिल्ली की, ये काम काज कैसे चलेगा। वैसे ही मंदा बहुत चल रहा है और खतरे के निशान से ऊपर ही है सब कुछ। तो फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे और शूट कर पाएंगे। पुलिस का पहरा यहाँ बहुत है, जाने नहीं दे रहे, रास्ता ब्लॉक कर दिया। सो गाइस रास्ता देखो कितना ब्लॉक हुआ पड़ा है, सारे में पुलिस ही पुलिस हो पड़ी है, किसी को जाने नहीं दे पा रही है। इतना भर चुका है बस, तो भाई फंस चुके हम बहुत बुरे वाले, आगे से रास्ता बंद है, पीछे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, सारी पब्लिक परेशान है। अब कोई बात नहीं, देखते हैं पकड़ियो, आगे भी निकाल लेंगे। सो गाइस आगे जाम देखो, जाम बहुत हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा जाम है, निकलने नहीं दे रहे किसी को भी।
पानी पानी आया पड़ा है यहाँ पे सारे में, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल रही है। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे, लेकिन आगे पुलिस वाले हमें जाने नहीं देंगे, पुलिस वाले रोक लेंगे, इस वजह से हमें यहीं से उधर करनी पड़ेगी गाड़ी को उठा के। गाइस कर तो लिया हमने गाड़ी अपनी इस साइड में, लेकिन लोग इस तरीके से गाड़ियां यहां पे उतार रहे हैं, चेक आउट कराता हूं। भाई यहाँ पर झंडे ही झंडे मिल रहे पूरे में, झंडे ही झंडे लगे पड़े पूरे इसमें। चल रही है इसमें पब्लिक इंजॉय बहुत कर रही है, दूर दूर तक गानों की आवाज़ें भजन की आवाज़ आ रही हैं, तो मज़ा भी आ रहा है और धूप बहुत तेज है, गर्मी भाई पानी पी लिया थोड़ा सुकून मिल गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो सभी लोग परेशान हो गए, वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये चेकआउट कराता हूँ ये पुल।
सो गाइस आ गए हम यहाँ शास्त्री पार्क, तकरीबन ये कोना है ये जहाँ से अपना सिलमपुर का जो फ्लाईओवर जाता है उसके वहीं कोने पे हम, तो पानी चेक करते हैं भाई। भाई वाह, कुछ ज़्यादा ही पानी है। हाँ देख रहा हूँ भाई भाई इस पानी को देख कर तो अपने टेरी डैम की याद आ गई, वहाँ भी ऐसा ही था भाई, वहाँ नीला पानी था, यहाँ मट्टी वाला पानी है। ये डाली है भाई, ये मट्टी तो ये डाली है में तो पूरी वो डाली है वहाँ पे मलबा वगैरह सब चीज ऐसे तरीके से डाली है वहाँ पे। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है ना। अभी मैं आ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ। कम से कम कश्मीर गेट इतना पानी है भाई। सब अच्छा, आप आए हो वहाँ से? उधर से भी आया हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। दो घंटे में निकल कर भी आया हूँ मैं। इतना फुटपाथ पर चढ़ हमें तो जाने ही नहीं दिया वहाँ पे भाई, हमें जाने ही नहीं दिया। आपने भी कहीं देखा पानी भाई? यहीं पर ही पानी देगा, मैं यहाँ का देख के रुक रहा हूँ बस मैं। लेकिन अगर आप उधर कोई गया है तो उधर जाने दे रहे, कोई बताएगा जाने दे रहे? उधर मेन से सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाना, चले आएंगे देखो जाने दे सकते, बट वहाँ भी पता पानी भर रहा, वहाँ क्या पता बीच में बंद कर रखा हो। अच्छा, पता कुछ नहीं। लेकिन भाई ऐसा अगर जाने देंगे ना आराम से तो सही है, नहीं तो भाई मैं रिक्शा नहीं लूँगा, बहुत दिक्कत हो गई थी। अभी वहाँ से गाड़ी उठा के हमने इस साइड में करी है यार, ये गेट क्यों बना रखे हैं, पानी रोक लेगा क्या? लोग आए हुए हैं यहाँ पानी देखने के लिए, अब पानी को देखो एंजॉय कर रहे हैं या सिर्फ पानी देख रहे हैं पता नहीं चल पा रहा भाई है ना। अभी ये पानी थोड़ा सा ऊपर को आया ना, सारे भागेंगे उस समीप है ना भाई। भाई बच कर हो भाई, और क्या गाइस, सबको सेल्फी लेनी है और अपना अपना स्टेटस लगाना है, तो इसलिए सबके सब जो है अपनी वीडियो बनाने पर मसरूफ़ है, यहाँ तक कि लेडीज भी। ये देखो चल भाई चल, चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और फिर निकलेंगे सिग्नेचर ब्रिज। देखते हैं अगर पहुँच गए तो जरूर शूट करेंगे, नहीं तो फिर हम अपने घर चले आएंगे भाई। सो भाई पानी देखो कितना है भाई। गाइस इतना पानी तो मैंने पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे। ओहो ये तो पाइपलाइन भी पूरी डूबी पड़ी है थोड़ा। ये पाइपलाइन भी डूबी पड़ी है गाइस, काफ़ी पब्लिक जो है रुक रुक के देख रही है, दूर तक लोग देखने वाले हैं। पानी ही पानी, चल रहे सिग्नेचर ब्रिज की तरफ अभी। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।